रवाना हो रहा है। बना दो सर, भाई जब आप लोगों से बात कर रहे थे तो और सब कुछ स्पष्ट बता ही दिया कि हम लोग सब लोग एक रहेंगे तो हम लोग कामयाब होंगे। मुलाकात तो हम करके आए ही थे, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए निकले हैं और निकलने से पहले जब उनसे सवाल किया गया कि दिल्ली दौरे पे हैं क्या आप विपक्षी जो नेता हैं उनसे मुलाकात कीजिएगा, तब उस पर उनका सीधे शब्दों में कहना है कि मुलाकात तो पहले ही हो चुकी है, मैं दिल्ली पहले भी रहा था, हालांकि अभी मैं किसी निजी काम की वजह से दिल्ली जा रहा हूँ और फिर से कल वापस आ जाऊंगा। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से जो विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की जो कवायद है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, वो पूरी तरह से सही तरीके से चल रही है और तमाम विपक्षी पार्टी एक साथ एकजुट आ रहे हैं। और वहीं उन्होंने कहा है कि जो रिस्पॉन्स है सभी विपक्षी पार्टियों का वो सही तरीके से मिल रहा है और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेके जो तैयारियां हैं वो अभी से हो चुकी है। और तब कल की बात कर ले तो कल ममता बनर्जी ने भी ये कहा था कि खेला होबे, जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी से जो लड़ाई है 2024 को लेकर उसको लेके अभी से ही तैयारी में लग चुके हैं। और नेता माफ़ कीजिएगा बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी दिल्ली दौरे पे निकले हैं और दिल्ली दौरे पे निकलने से पहले क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। मुलाकात तो हम करके आए ही थे, कुछ कुछ काम है और पीछे उस काम को हम लोग देखते हैं। नीतीश जी भी सबसे मिल के आए हैं, क्या लगता है 24 मिशन में जो आप लोग हैं सफलता मिलेगी? नीतीश जी भी मिल के आए हैं, अच्छा अच्छी बात है। उस दिन तो हम कई भाई जब आप लोगों से बात कर रहे थे और सब कुछ स्पष्ट बता ही दिया कि हम लोग रहेंगे तो हम लोग कामयाब होंगे। सुशील मोदी ने कहा है कि लालू जी सुपर सीएम है, जो वो चाहेंगे वही बिहार में होगा, वही डिक्टेट कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना सीधे तौर पे तेजस्वी यादव का कहना है कि किसी निजी काम से दिल्ली दौरे पे जा रहे हैं, हालांकि उन्होंने उनसे जब सवाल किया गया कि क्या विपक्ष के नेताओं से आप मुलाकात करेंगे, तब उस पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं से मिलने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिल चुके हैं और मैं तो अपने निजी काम से जा रहा हूँ। और जो एकजुटता की बात कही जा रही है वो पूरी तरह से एकजुटता हो रही है, तमाम विपक्ष के नेता एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं और किस तरीके से बीजेपी को 2024 में देश से हटाना है उसको लेकर जो कवायद है वो तेज़ हो चुके हैं। तमाम नेता एक साथ आ रहे हैं और आने वाले समय में जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तो बीजेपी को देश से हटाया जाएगा। इससे जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देते रहेगा, विकलित नहीं। नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।